तो हाय देयर एवरीवन, दिस इज अपफेक बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं अपने लोकल मशीन पर। इसके लिए हम किसी भी तरह की होस्टिंग बाई नहीं करेंगे। जब हम कंफर्टेबल हो जाएंगे वर्डप्रेस के अंदर कि वर्डप्रेस को कैसे यूज करते हैं, देन जब आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बना लेना, तब आप होस्टिंग बाई कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं। और ये सारे स्टेप्स कैसे करने हैं ये हम इस सीरीज में देखेंगे, पर सबसे पहले हम अपने लोकल मशीन पर वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करके देखेंगे। तो इसके लिए कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे इंस्टॉल करेंगे हम इसको, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कैसे हमको इसका इंस्टॉलेशन करना है। तो इसके इंस्टॉलेशन के लिए हमको जो टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे जैम्प को। तो क्रोम ब्राउजर को मैंने अपने ओपन कर लिया है और यहाँ मैं टाइप करता हूँ जैम। अब जैम क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जैम इज अ कम्प्लीटली फ्री इजी टू इंस्टॉल अपाचे डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग मारिया डीबी पीएचपी एंड पर्ल। तो जैम के अंदर कॉम्बिनेशन होता है पीएचपी का, मारिया डीबी का और ये एक अपाचे का। तो ये एक सर्वर क्रिएट कर देता है आपके लोकल मशीन पर। तो इसके लिए हमको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से। आप अगर विंडो यूज कर रहे हैं तो विंडो के लिए इंस्टॉल करेंगे, लिनक्स यूज कर रहे हैं लिनक्स के लिए, या फिर आईओएस यूज कर रहे हैं तो आईओएस के लिए। तो यहाँ पर मैं विंडो के लिए इंस्टॉल कर लूँगा, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद अब हमने जैम्प को ओपन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही जैम्प टाइप किया तो जैम्प ओपन हो गया, जैम्प को मैंने ओपन कर लिया। जैम्प को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके कंट्रोल पैनल पर अपाचे MySQL फाइलजिला मर्करी टॉमकैट। तो हम इसमें अपाचे एंड माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली ये आपका एक सर्वर स्टार्ट हो जाएगा आपके लोकल मशीन पर। इसके बाद अब जो दूसरे टूल की रिक्वायरमेंट है वो है हमको वर्डप्रेस की। तो वर्डप्रेस के लिए हम वर्डप्रेस डाउनलोड लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर wordpress.org, ये याद रखिएगा कि wordpress.com के अंदर आप ना जाएं, क्योंकि wordpress.com के अंदर अगर आप जाकर के वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ पर वर्डप्रेस खुद अपने ऐड शो करेगा, तो आपको उससे ज़्यादा पैसे कमाने को नहीं मिलेगा। जब ऐड वर्डप्रेस खुद शो करेगा तो वो खुद अपनी अर्निंग करेगा, तो आपको वहाँ पर अर्निंग उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो wordpress.org पर जाएं, आई रिपीट wordpress.org। तो wordpress.org में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डाउनलोड वर्डप्रेस 6.2। लेटेस्ट वर्जन जो है वर्डप्रेस का वो है 6.2। इंस्टॉलेशन गाइड भी है इसमें। तो यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो हमने वर्डप्रेस की जिप फाइल को डाउनलोड कर लिया था। अब उस जिप फाइल को हम अनजिप करेंगे। अब अनजिप करने के बाद हमको कहाँ पर उस जिप फाइल को पेस्ट करना है वो चीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये मेरी जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी थी, अब इसको मैंने अनजिप किया है। तो ये फोल्डर आया है वर्डप्रेस 6.2 नाम से। तो इसके अंदर जाएंगे और ये वर्डप्रेस, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपनी सी ड्राइव पर और सी ड्राइव के अंदर एक जैम्प नाम का फोल्डर जो हमने जैम्प इंस्टॉल किया था वो होगा, और उसी के अंदर हमको ये डालना है और कहाँ पर डालना है वो चीज़ हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पर सी ड्राइव के अंदर आ गए हैं। सी ड्राइव के अंदर ये जैम्प नाम का फोल्डर है, इसको हम क्लिक करेंगे और इसके अंदर जाने के बाद htdocs, आई रिपीट htdocs, htdocs नाम का यहाँ पे फोल्डर होगा। htdocs नाम के फोल्डर के अंदर हम पेस्ट कर देंगे। तो मैं एक ये स्टेप दोबारा बता देता हूँ, अगर आप एक बिगिनर हैं तो कुछ चीज़ें नहीं समझ पे आएंगी। तो इस वजह से सबसे पहले हमने वर्डप्रेस के जिप फाइल को डाउनलोड किया, उसको अनजिप किया, उसके अंदर जो वर्डप्रेस नाम का फोल्डर था उसको कॉपी किया, फी ड्राइव के अंदर आए, फी ड्राइव के अंदर एक जैम्प नाम का फोल्डर था, जैम्प नाम के फोल्डर के अंदर htdocs का फोल्डर था, htdocs के अंदर अंदर आएंगे हम, htdocs के अंदर हम अपने वर्डप्रेस को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर वहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर डन हो गई क्रोम ब्राउजर में। और यहाँ पर लोकल होस्ट में जा कर के हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड, तो यहाँ पर PHP माई एडमिन में जाएंगे। PHP माई एडमिन में जाने के बाद कुछ नहीं करना, आपको एक डेटाबेस केवल क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए डेटाबेस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर आप टाइप करेंगे वर्डप्रेस एंड देन क्लिक क्रिएट, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ये है मेरा वर्डप्रेस नाम का डेटाबेस। अब इसके बाद आपका इंस्टॉलेशन जो है वो हो चुका है आपके लोकल मशीन में। अब आपको करना क्या है, सो हमने जो इंस्टॉलेशन किया है उसके बाद अब हम यहाँ पर
क्रोम ब्राउजर में ओपन करेंगे लोकल होस्ट और यहाँ पर मेरी जो फाइल है उसे है, और ये मैंने यहाँ पर यूआरएल डाला है। इसके बाद ये ऑप्शन आया है यहाँ, तो इसके बाद हमने यहाँ पे चूज किया है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। अब बॉटम पर आएंगे, इसके कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद ये पेज आपका आएगा जिसमें डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेट्स गो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपने जो डेटाबेस का नाम वहाँ पर क्रिएट किया था, तो हमने क्रिएट किया था वर्डप्रेस। अब यूजर नेम जो होता है वो रूट डालते हैं हम जब लोकल होस्ट में करते हैं। पासवर्ड को हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे और ये सारी चीज़ें हम ऐसे ही रहने देंगे। डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट में है, टेबल प्रीफिक्स WP _, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी हमारी। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद रन द इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, तो हम रन द इंस्टॉलेशन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, पर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। आपका इंस्टॉल होगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेगा। और इसके बाद लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आपने वहाँ पर जो भी डिटेल डालेंगे, यूजर नेम पासवर्ड आप वहाँ पर डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ओपन हो जाएगा वहाँ पर। अब यहाँ पर ऐसे ही मैं यहाँ पर मैंने जो यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया है तो वो मेरा एडमिन एडमिन है, तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लूँगा। तब लॉगिन करने के बाद हमारा वर्डप्रेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, कैसे इंस्टॉलेशन करना है। और अब हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर पहुंच जाएंगे। अब वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमारा ओपन हो चुका है, और अगर आपको अपनी वेबसाइट देखनी है, अभी तक आपने कुछ किया नहीं, आपने केवल इंस्टॉलेशन डन किया है वर्डप्रेस का, और ये इंस्टॉलेशन आपके लोकल मशीन पर है, तो इसके लिए अब आपने अभी तक कोई वेबसाइट नहीं बनाई है, पर वर्डप्रेस अपनी तरफ से जो भी आपको प्रोवाइड करता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। आपने अभी तक कोई वेबसाइट नहीं बनाई, पर यहाँ पर हम विजिट साइट पर क्लिक करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है वेबसाइट, तो ये यहाँ पर मेरी वेबसाइट बनाई हुई शो कर देगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट का टेम्पलेट वगैरह लगाया हुआ था, पर आप जब न्यू वेबसाइट बनाएंगे तो वो यहाँ पर आपकी शो होगी। तो बेसिकली वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी है, और कैसे इसको इंस्टॉल करना है ये मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना पाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।